पूरे इंडिया टॉप पूरी फैमिली को, मार्कोस टीम और जो जो नौजवान भाई हैं उनके तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि अभी तक जो मैं न्यूज़ देख रहा हूं बिहार पुलिस की अभ्यर्थी के लिए, वो इंडिया टॉप न्यूज़ चैनल बिल्कुल आगे रहती है, चाहे वो SI हो या फिर सिपाही भर्ती हो या फिर SSC GD हो, इंडिया टॉप बहुत अच्छी चैनल है और हम ही सभी नौजवान भाइयों को बोलेंगे आप सब्सक्राइब करो और उस चैनल को आगे बढ़ाओ। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूँ आदेश पुरी। 24 जनवरी से बिहार सिपाही 8415 का फिजिकल होने वाला है गांधी मैदान में, हजारों की संख्या में और बिहार के न जाने कितने फील्डों में सैकड़ों की संख्या में कैंडिडेट जो हैं वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि 6 जनवरी से पार्कों को बंद किया जा रहा है, मैदानों को बंद किया जा रहा है। आपको बताया कि पटना का गांधी मैदान, मोतिहारी का गांधी मैदान, बेतिया का रमना मैदान, सभी जगह पर ताले लग जाएंगे। अब ये छात्र जो हैं इनका कहना है कि फिजिकल 28 जनवरी को नियत किया गया है, अब ये कहाँ से करेंगे। हमारे साथ हैं मार्कोस फिजिकल एकेडमी के सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, कल से बंद हो रहा है गांधी मैदान, फिर तो कैसे तैयारी होगा? सर, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे नौजवान भाई और हम लोगों के लिए, खास करके क्योंकि हमारे पास 200-250 के लगभग संख्या में बच्चे हैं, तो उन लोगों को कहाँ मैं दौड़ाऊँगा, रोड पर दौड़ाऊँगा, पैर इंजुरी होगा, इनकी नौकरी नहीं होगी, बहुत सारा घर सर सुना हो जाएगा। यदि ये पार्क खुला होता तो हमारे बच्चों को जो असुविधा हो रही है, असुविधा नहीं होती और बच्चे अच्छे तरीके से दौड़ लगा पाते। तो मैं बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, अगर आप ज़िंदगी चाहते हैं युवाओं के लिए, तो सर पार्क को खोल दें और ये ग्राउंड को, खास करके गांधी मैदान को खोल दें, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लड़के यहाँ दौड़ते हैं। सुबह शाम कुछ समय के लिए खोला जा सकता है, 2-2.5 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए आप मॉर्निंग में खोलें और 2 घंटे के लिए आप शाम में खोलें, इवनिंग में खोलें, तो बच्चों के लिए बहुत बेहतर होगा सर। अच्छा, यही रिक्वेस्ट तो है बिहार। ये हम लड़कों से ही जानना चाहेंगे, कल से आप कहाँ सोचे हैं प्रैक्टिस करने का? यहाँ पे तो आसपास में कोई भी ग्राउंड खुला हुआ नहीं रहेगा, तो हम लोग के लिए कोई भी ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। 20 दिन बचा हुआ है, कहाँ करेंगे प्रैक्टिस कल से? देखिए, यहाँ पार्क तो बंद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत करेंगे रोड पर करना पड़ेगा, लेकिन बंद हो जाएगा तो कहाँ करना पड़ेगा, वहीं रोड का भी चांस होगा ना, रोड पे आप करेंगे लेकिन प्रॉब्लम होगा, तब क्या कर सकते हैं, अब सरकार की बात है ना। वही ना, रोड पे दौड़ने से सीन पेन हो जाता है सर, पूरा पांव खराब हो जाता है, और 4-5 दिन रेस्ट ले लेते हैं उसके बाद जो है थोड़ा नॉर्मल होता है। और गांव में जाएंगे तो उस तरह का माहौल नहीं है, ना बच्चा है, ना कंपटीशन है, ना हाई जंप का उस तरह का कुछ है। सर, यहाँ सिर्फ बिहार सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम मैदान जो है खुला रखना, 2-4 घंटे के लिए कम से कम सर खुला रखना चाहिए। आप कैसे करेंगे तैयारी? जैसे देखिए, अगर कोरोना वायरस जो है बढ़ रहा है, तो इसमें सरकार ने अपने तरफ से गाइडलाइन जारी की है कि पार्क उद्यान को अगर बंद कर दिया जाता है, तो कम से कम सरकार हम लोग को, ये गवर्नमेंट से मांग है कि हम लोग को कम से कम एक हौसला दे कि अगर या तो वो डेट को एक्सटेंड करें, और नहीं तो हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए पार्क या उद्यान को खोलें। यही मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। कहाँ करेंगे आप लोग प्रैक्टिस? प्रैक्टिस सर ऐसे तो रोड पर ही मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन उससे पेन होगा, और पेन होगा तो फिर सर इंजरी आएगी, तो ज़्यादा ऑप्शन तो यही है गांधी मैदान। अगर ऑप्शन घर में होता तो हम लोग घर में ही होते हैं, यहाँ मजबूरी में ही आए हैं। अब ये भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर मजबूरी में हम लोग को रोड पे दौड़ना पड़ेगा। 21 तारीख तक पार्क और गांधी मैदान को बंद किया जा रहा है, कहाँ करेंगे प्रैक्टिस? हम तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जैसे कि फिजिकल 28 तारीख से चालू हो रहा है, तो हम सरकार से ये कहेंगे कि हम लोग का पार्क खोल दिया जाए, ताकि हम लोग अपना पार्क में ही प्रैक्टिस करें, नहीं तो हम लोग को मजबूरी में रोड पर दौड़ना पड़ेगा, जिससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हम लोग अगर रोड पे नहीं दौड़ेंगे तो बालू पे जाएंगे दौड़ने के लिए। क्या आप कहाँ सोचे हैं? सर, हम तो कहेंगे सरकार से, यदि पार्क को बंद कर रहा है तो उसको डेट को एक्सटेंड आगे बढ़ा दें, नहीं तो हम लोगों का भविष्य खतरा में पड़ जाएगा, और हम लोग रोड पे दौड़ेंगे उससे हमको समस्या बहुत सारी हो जाएगी, हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए। गार्जियन यहाँ हम लोगों को भेजे हैं कि कुछ करके यहाँ से अपने घर पहुँचने के लिए मधुबनी की तरफ। अच्छा, ये बताइए, एग्ज़ाम का डेट बढ़े इसके लिए आप लोग तैयार हैं? वैसे तो आज एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है। अच्छा, लेकिन जैसे तैयारी है, अभी डेट एक्सटेंड कर जाता है तो हम लोग का, अगर बीच लॉकडाउन लग गया या जैसे अभी एक्सटेंड किया गया है तो हम लोग घर चल जाएंगे, बीच में हमारा तैयारी में मतलब गैपिंग आ जाएगा, ऐसे कंटिन्यू है, हो सकता है कि अशोक स्तंभ लग जाए। अच्छा, अशोक स्तंभ लग जाए। कल से कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? कल से तो यहाँ पे सुन रहे हैं कि बंद होने वाला है, तो हम लोग को तो अब बालू पे जाना होगा या फिर कहीं नहीं हो पाएगा, कहाँ होगा प्रैक्टिस? फील्ड, सारा फील्ड बंद है, सारा स्कूल भी बंद है,
तो ऐसा तो अभी कहीं दिख नहीं रहा है, रोड पे ही करना होगा। और बिहार पुलिस कम से कम, बिहार पुलिस का जब डेट दे दिया गया है तो कम से कम फील्ड को खुला रहना चाहिए था, खुला रहने दे। तो विचार किया जाए, या तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को गांधी मैदान कैंडिडेट के लिए खोला जाए, या फिर 28 जनवरी से होने वाला फिजिकल को आगे एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि कोरोना के कारण पार्क बंद हो रहे हैं, फील्ड बंद हो रहे हैं, और यही 20 दिन अहम है। यही 20-22 दिन अगर तैयारी नहीं होगा तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, और यही जो चिंता जो है वो छात्रों में समाई हुई है। आज 5 जनवरी है, कल से बंद होने वाला है, और इसी को लेकर ये परेशान है। तो गुजारिश है सरकार से कि दोनों कदम उठाए, दोनों में से कोई भी एक हो, या तो इनको समय दिया जाए दौड़ने को, या फिर एग्जाम का डेट आगे किया जाए। तो फिलहाल एक्चुअली क्या है कि ये गांधी मैदान बंद होने से और प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि गांधी मैदान इतना बड़ा है और इसमें आदमी दूर दूर खड़ा हो सकता है, दूर दूर घूम सकता है, और अगर गांधी मैदान बंद हो गया तो आदमी के पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है कि कहीं वो जाए बैठे घूमे, और उसकी जो एक्टिविटी है, वर्किंग एक्टिविटी, मूविंग एक्टिविटी, वो ख़त्म होने से उसकी इम्यूनिटी पावर ही कमज़ोर होगी। तो गांधी मैदान बंद करना एक्चुअली में ये गलत डिसीजन है, समझ रहे हैं ना? तो ये क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा मैदान है, आदमी 6 फीट का 12 फीट की दूरी पे खड़ा हो सकता है, 50 फीट की दूरी पे भी खड़ा हो सकता है, समझ रहे हैं ना? और ये बंद करके बहुत बड़ी गलती होगी एक्चुअली में, समझ रहे हैं ना? फिर आदमी इधर उधर उधर क्या है, पास पास सघन सघन रहेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे ना? तो इसलिए हमारा ही, और उसकी मूविंग खत्म होगी, एक्टिविटी खत्म होगी, वर्किंग खत्म होगी, जिसकी एम्यूनिटी पावर खत्म होगी, इसलिए हमारा यहाँ पे कहना है कि गांधी मैदान को बंद ना किया जाए। 22 दिन काफी अहम है, इसलिए गुजारिश है कि दो कदम उठाया जाए, या तो गांधी मैदान खोला जाए, या फिर एग्जाम के डेट को आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।